हेलो हेल्दी पीपल्स, मैं डॉक्टर प्रियंका सिंगला और आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉन्सिलाइटिस के बारे में। टॉन्सिलाइटिस जिसे हम कहते हैं टॉन्सिल ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन, हमारे थ्रोट के साइड में दोनों तरफ में टॉन्सिल ग्लैंड्स होती हैं, अगर वो इन्फ्लेमेशन की स्टेज में आ जाती है तो उस कंडीशन को हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। टॉन्सिलाइटिस हमें ना कॉमनली होता है कॉमन कोल्ड के बाद में हो गया, फीवर के बाद हो गया, फ्लू के बाद हो गया, उसके बाद में टॉन्सिलाइटिस बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसन्स की कि वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसन्स हैं जो टॉन्सिलाइटिस में बहुत अच्छा काम करेंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं अगर आपको एक्यूट टॉन्सिलाइटिस है, यानी कि आपको टॉन्सिलाइटिस हुए एक दिन दो दिन हुआ है, दैट्स इट, आपके ना गले में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, बहुत रेडनेस है गले में, जलन भी होती है गले में, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ टॉन्सिलाइटिस। अगर आपको वो सारे सिम्टम हैं तो उस केस में आपको बेलाडोना लेनी है। बेलाडोना इन्फ्लेमेशन में बहुत अच्छा काम करेगी। फर्स्ट स्टेज अगर इन्फ्लेमेशन का है तो बेलाडोना विल एक्ट वेरी बेस्ट, ठीक है, बहुत अच्छा काम करती है बेलाडोना। बेलाडोना आपको 200 की पोटेंसी में लेना है, दिन में तीन बार, तीन दिन के लिए लेना है, सुबह दोपहर शाम, तीन तीन बूंद जीभ के ऊपर, ठीक है। जो आपको एक्यूट इन्फ्लेमेशन है वो आपका सारा की सारा क्योर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगर आपको टॉन्सिलाइटिस है, दोनों साइड की टॉन्सिलाइटिस है और ऐसा होता है ना निगलने में भी दिक्कत आती है, जिसे हम कहते हैं डिफिकल्ट स्वेलोइंग, जैसे अभी मैंने किया, अगर आप डेग्लुटिनेशन करोगे, स्वेलोइंग करोगे तो आपको बहुत पेन रहेगा, बहुत डिस्कम्फर्ट रहेगा, बहुत ज़्यादा ऐसे लगेगा कि कुछ भी ना खाना मुश्किल है। बट उन पेशेंट्स को पीकर कुछ भी अगर आप लिक्विड डाइट लेते हो तो उन्हें थोड़ा सा बेटर लगता है। अगर ये सारी दिक्कतें हैं, आपको स्वेलोइंग के टाइम पे दिक्कत आती है, आपको सिर्फ लिक्विड खाने लिक्विड पीने का मन करता है, कुछ भी खाया नहीं जाता, उस केस में आपको बराइटा काप लेनी है। बराइटा काप भी आपको 200 की पोटेंसी में लेना, दिन में तीन बार, सुबह दोपहर शाम, तीन तीन बूंद जीभ के ऊपर लीजिएगा ये आपको, और थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा ये आप कुछ भी खाने के या ड्रिंक के बाद में लो, जो भी मेडिसिन आप टॉन्सिल्स के लिए लेते हो। अब बात करते हैं अगर आपको टॉन्सिलाइटिस और गले में ऐसे लगता है कि कुछ लंप के जैसा फंसा हुआ है जिसकी वजह से हमसे कुछ खाया नहीं जा रहा, टॉन्सिल्स है और आपसे कुछ खाया नहीं जा रहा। नॉर्मली क्या होता है टॉन्सिलाइटिस में, किसी भी इन्फ्लेमेशन में हमें ठंडी चीज़ खाने के बाद दिक्कत होती है, बट अगर किसी पेशेंट को किसी को भी ठंडी चीज़ों से, ठंडे पानी से, ठंडे ड्रिंक से थोड़ा बेटर लगता है गले में और वहीं पे उनकी दिक्कतें गर्म चीज़ों को खाने से, गर्म चीज़ों को पीने से बढ़ जाती हैं, तो उस केस में आपको लेना है फाइटोलेका। फाइटोलेका आप 30 की पोटेंसी में दिन में चार बार लेना, सुबह दोपहर शाम और रात, दो दो बूंद जीभ के ऊपर लेना। अगर आपके टॉन्सिलाइटिस गर्म चीज़ों के बाद बढ़ जाते हैं और ठंडी चीज़ों से आराम पड़ता है, अभी उसी का ऑपोजिट केस अगर हम लेते हैं, अगर आपको टॉन्सिलाइटिस है और गर्म चीज़ों से आपको आराम आता है, आपने गर्म चाय पी, गर्म दूध पिया, कुछ भी गर्म चीज़ ली, उससे बेटर लगता है और आपको वही सारी चीज़ें ठंडी चीज़ों की वजह से बढ़ जाती हैं, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, इन सब चीज़ों की वजह से गले में बहुत पेन रहता है, बहुत दिक्कत लगती है, तो उस केस में आपको लाइकोपोडियम लेना है। लाइकोपोडियम 30 की पोटेंसी में लेना, दिन में तीन बार, सुबह दोपहर शाम, तीन तीन बूंद लेना जीभ के ऊपर, ठीक है। अगर आपको टॉन्सिलाइटिस पर्टिकुलर साइड के रहते हैं, किसी को क्या होता है राइट साइड का टॉन्सिलाइटिस है, किसी को लेफ्ट का टॉन्सिलाइटिस होता है, तो उस केस में कौन सी मेडिसिन काम करती है। अगर आपको लेफ्ट साइड टॉन्सिलाइटिस है तो उस केस में आप लेकेसिस लीजिएगा। लेकेसिस 30 की पोटेंसी में दिन में दो बार, सुबह शाम, तीन तीन बूंद जीभ के ऊपर लेना। वहीं अगर आपको राइट साइड का टॉन्सिलाइटिस है तो उसमें दोनों मेडिसिंस काम करती है, हमारी फाइटोलेका भी काम करती है और लाइकोपोडियम भी काम करती है। एक बार आप अपने सिम्टम देखिएगा कि आपको गर्म चीज़ों से आराम पड़ता है या ठंडी चीज़ों से आराम पड़ता है। जो मैंने बताया है कि गर्म में आराम किस चीज़ से पड़ता है, ठंडी चीज़ों से आराम किस चीज़ में पड़ता है, उसके बेसिस पर आप अपनी मेडिसिन ले सकते हैं। तो ये मेडिसिन थी टॉन्सिलाइटिस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो और अवॉइड करना मौसम जब चेंज होता है उस टाइम पे कुछ भी खट्टी चीज़ खाने से, ठंडी चीज़ खाने से, पर्टिकुलर चावल खाने से, दही खाने से, ये सारी चीज़ें क्या करती है, एग्रावेट कर देती है उस कंडीशन को। ओके, ध्यान रखना अपना, बाय बाय।